Welcome our channel Major Gamers and subscribe, press the bell icon. Hello friends, here's Asulo. Welcome back to my new gameplay video of Minecraft. तो यार हम दोबारा से खेलेंगे Minecraft. जितने बंदों ने मैं लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे टैप करके देख सकता है. और हाँ यार, मैंने लास्ट वाले एपिसोड में बनाया था अपना ये वीट फार्म, यानी कि बना तो उससे भी लास्ट वाले एपिसोड में दिया, बच गया भाई, टूटा नहीं है. नहीं तो टूट जाता है ना, देखो ये किसने कर दिया. मेरे जो वीट फार्म है ना, इसमें बहुत सारे एनिमल्स आया था, यानी कि इधर से उधर जाते हैं तो वो तोड़ जाते हैं इनको. तो एक को मैं इधर ला देता हूँ. एंड अब देखो भाई, मैंने इधर से यानी कि 5 लेयर है मेरे वीट फार्म में, इधर से उधर तक सब में मैंने सीड को प्लांट किया, यानी कि वीट लाया था. और ये थोड़ा थोड़ा ग्रो भी होने लगा है कुछ, तो बहुत मतलब कि कुछ वीट है ना, वो तो पूरा ग्रो ही हो चुका है तोड़ने के लिए. बट इनको है ना एक साथ तोड़ेंगे, क्योंकि सब बड़ा हो जाएगा ना तब, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक होता है. एंड आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैं हर एपिसोड में दिखाता हूँ, इधर से उधर तक, ठीक है. तो ये देखो यहाँ से देखने में कैसा लगता है हमारा वीट फार्म. एंड अब चलते नीचे की साइड, इधर से आराम से जंप लाएंगे क्योंकि डैमेज ना हो हमारा, क्योंकि अपनी जो घर है ना उधर से नीचे कूदने में तो हाफ वर्ड का डैमेज आता है. तो भाई यार, अब कलेक्ट करने वाले हैं हम जो कि चिकन के जो एग है ना, उनको मेरे पास एक पहले से रखा था और एक अभी कलेक्ट हो चुका है, तो इनको इधर ही फोड़ते हैं भाई. बच्चे निकलेंगे तो इधर ही आएंगे. तो वन अब भाई चिकन के लग गया, उसके लग गई. अब इनको ना खाना खिलाना पड़ेगा मेरे को, है ना. और आज हम बहुत फास्ट खेलने वाले हैं. एंड ये देखो यार, इस पर बहुत मैंने रास्ता बनाया था, इसकी वीडियो में डाल सकता हूँ आप बोलोगे तो. एंड इस पर ना ग्रास नहीं उग रही भाई, तो मैं क्या करता हूँ ग्रास ब्लॉक को ही ले आता हूँ, जो कि मेरे पास रखे हुए हैं, जो कि मेरे जो कि जो डायमंड की एंचेंटिंग हुई ना, वो थी क्या कहते हैं उसको यार, शवल. हाँ, तो शवल से मैंने उसको कलेक्ट कर लिया. एंड पूरी भाई डर्ट का भी आ गया, डर्ट समेत मतलब उसकी ग्रास विद ग्रास ब्लॉग आ गया है ना. तो और भाई एक ये इधर से कुछ अलग रखा है, तो इधर मैं लाने वाला हूँ स्टोन ब्रिक्स, जो कि मेरे पास है. और इसको तोड़ के स्टोन ब्रिक्स लाए थे, अब तब भी थोड़ा इसमें मतलब अब ठीक दिख रहा है यार. तो ये फालतू में लग गया है, इसको तोड़ के कलेक्ट करते हैं. और ये देखो भाई, रास्ता एकदम इधर का मतलब क्लियर है ना. और मैंने देखो, मैंने विलेज तक भी रास्ता बनाया है अपना, जो कि मैंने अपने एनिमल वाली एक्सपी फार्म तक बनाया है ज़रा, है ना. पहले मेरा यहाँ तक था, मैंने यहाँ से पूरा आगे कर दिया है, एंड से स्टोन लगा के और आगे कर दिया है. तो आप कमेंट में बता सकते हो यार, मैं इसकी वीडियो डालूँ या नहीं डालूँ आपको बताने के लिए, कि मैंने ये कैसे बनाया है, ठीक है. तो अभी थोड़ा खाना खाते हैं, हमारा खाना भी ख़त्म होने वाला है यार. 3 बचे हैं भाई, 3 हमारा खाना बचा है. तो कह सकते हो कि 3 हमारी ब्रेड बची हुई है, तो ठीक है, ब्रेड नहीं है जी, कुछ और है, ठीक है. तो अभी चलते हैं भाई, आज हम करने वाले हैं अपने ब्लेजरों से मतलब ट्रेड, ठीक है. तो आज हम करेंगे अपने ब्लेजरों से ट्रेड. तो उनके ट्रेड करने के लिए भाई, एक ब्लेजर मेरे को कॉइल से दे रहा था. तो फिलहाल तो हम अपने खाने को रखते हैं भाई, पहले खाना देखते हैं किस में ज़्यादा है, बता जी कौन सा खाना ज़्यादा है हमारे चेस्ट में, ठीक है. ये 17 है, ये 16 है, एंड ये 11 हो गया भाई. सब चेस्टों में देखने वाले हैं, अब चेस्टों में देख के मैं आपको बताता हूँ यार कितना सबसे ज़्यादा कौन सा है. यार सबसे ज़्यादा मेरे को मिला ना, तो वो मिलता है शिप का, जो कि शिप को मार के मिलता है ये रेप बटन मटन. हाँ मटन बोलते हैं इसको. तो ये मिला है मेरे को ना पिक का ना काउ का, एंड शिप का ज़्यादा मिला है. तो इसको मैंने इधर लगा दिया है, तो ठीक है कॉइल भी कलेक्ट करता हूँ, क्योंकि एक बंदा था यानी कि एक ब्लेजर था, जो कि मेरे को कॉइल से ना कुछ एमरेल दे रहा था. मैं आज एमरेल ही लेने वाला हूँ यार. तो इधर से मैंने इधर कॉइल लगा दिया, ठीक है. तो कॉइल मेरे पास 24 है अभी, यानी कि वो यानी पता नहीं यार कितने कॉइल से दे रहा था, यानी ये एक एमरल, तो उधर ही जाके पता पड़ेगा यार. हाँ यार 15 कॉइल से एक एमरल दे रहा था, यानी कि हमें माइन करवे की बहुत सारी कॉइल ले सकते हैं. इधर 4 कॉइल पड़े हुए हैं, ठीक है. तो इधर कुछ कॉइल है नहीं, तो भाई पता नहीं यार ये ट्रैप डोर क्यों खुल जाता है, मैं इसको ओपन करके बंद करता हूँ. तो हाँ यार, ये है अपना यानी कि सन, जो कि सेट होने वाला है, सनसेट हो रहा है. तो भी चलते हैं सोने के लिए यार, क्योंकि नाइट में ना मेरी ढंग से मतलब मेरे को डर लगता है भाई. बहुत सारे टैप करके देखता हूँ यार, कितनी मतलब मैं सो पाऊँगा. गुड नाइट यार, सो गया तो सो गया हूँ फाइनली यार, क्योंकि नाइट हो चुकी है ना, अब सुबह भी हो चुका है. गुड मॉर्निंग गाइस यार, तो सुबह हो गई है. तो अब चलते हैं जल्दी से अब ट्रेडिंग करने के लिए, यानी ब्लेजरों से. भाई यार इसमें एक भाई साहब आए हुए हैं, यानी कि जोम्बी भाई साहब है, स्केलेटन भाई साहब. भाई जोम्बी भाई साहब, क्योंकि इनकी पैर है ना थोड़े मोटे हैं, इनको मारता हूँ मैं जल्दी से. ये गए जोम्बी भाई साहब. इधर से एक्सपी कलेक्ट करके थोड़ी 10 XP होगी भाई. मैं एक बात बताऊँ ना, जो कि मैं अपने जो टूल्स हैं ना, आयरन वायरन के जितने भी टूल्स हैं, मैं इनको रिपेयर करता हूँ. तो भाई रिपेयर करते में
मेरी एक्सपी डाउन हो जाती है क्या, आपकी भी होती है भाई? कमेंट करके बताओ यार, एक्सपी डाउन होती है या नहीं। तो इस बंदे से ट्रेस करके देखता हूँ, ये था क्या? नहीं यार, ये तो मतलब सिक्स लेदर से दे रहा है भाई ये कैमरे। तो इसमें देखता हूँ इसमें हुआ, हाँ ये रहा, ये खड़ा है भाई, पता नहीं अपने काम में लगा हुआ है, बिजी है। तो इनसे लेता हूँ मैं एक एमरेल, जो कि मेरे को एक ही एमरेल मिली है इस बंदे से, और मेरे पास इतना कोई कॉइल है नहीं जो इससे और ले सकूँ। तो मेरे को इससे बहुत सारी ट्रेनिंग करनी होगी, यानी कि नीचे कॉइल भाई इसने क्या पोषण मार लिया अपने ऊपर, धुआं निकाल रहा है, सिगरेट पी रहा है यार, पता नहीं। तो ठीक है, इधर से मैं थोड़ा बहुत कॉइल कलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि इस फिस को नहीं फेंकेंगे ना, एक सीड पड़ा है इसको फेंक देते हैं, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। एंड 13 कॉइल हमारे पास, एंड ये 15 कॉइल दे रहा है भाई हमको एमरेल। ठीक है, तो और मतलब माइन करना होगा हमको, और जितना माइन हो सके उतना माइन करेंगे आज, क्योंकि कॉइल चाहिए हमको भाई। इसमें तो नहीं जाने वाला, इसमें मैंने डर्ट लगाई थी उधर से ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि इसमें है ना जोम्बी वगैरह यानी कि छिप जाते थे और ब्लेजर गिर जाते थे, तो ब्लेजरों को वो अपना मतलब जोम्बी बना लेते थे। तो ठीक है भाई, स्केलेटन इधर स्पॉन हो चुके हैं, दो दो स्केलेटन, यानी कि ये बारिश है ना तो ये सोने वाली बारिश है, अब चलते सोने के लिए क्योंकि रेन हो रही है ना। तो गुड नाइट गाइस, यार नाइट तो नहीं है बट तब भी सो गया ये, पता नहीं क्यों, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज, इसको बारिश में लगता है डर। तो स्केलेटन में लग चुकी है आग भाई, ये फायर वाला स्केलेटन हो चुका है, इसको इसकी हड्डी को ना मारेंगे इसमें, मतलब पता नहीं। एक स्केलेटन इधर भी देखे, बट वो तो मर ही जाएगा यार। तो इधर से लेते हैं हम कॉइल, तो हमारे पास है नहीं, तो यार माइन ही करना पड़ेगा। तो इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है यार, को कॉइल नहीं है हमारे पास, तो कॉइल चलते हैं माइन करने के लिए, जो कि माइन में मिल चुके हैं हमको, बहुत सारे कॉइल मिलेंगे। तो 13 कॉइल हमारे पास, बहुत सारे कॉइल कॉइल जो माइन करेंगे हम माइन से। तो अभी तो फिलहाल चलना होगा भाई, ट्रैप डोर बार बार ओपन हो जाता है, इतनी बार मैं इसको बंद करता हूँ ना चेस्ट को ओपन होता है। तो गैज यार कोई इस पर मॉब नहीं है इधर, एंड इधर भी नहीं है। तो सामने स्केलेटन भाई साहब खड़े हुए हैं, हड्डी ढांचे भाई साहब, तो इनके पास जाना होगा इनको मारने के लिए। आज मैं इनको अपनी स्वैर्ड से ही मारूंगा, बो से नहीं मारूंगा, क्योंकि भाई देखते हैं यार हम कितने प्रो बंदे हैं भाई। एक हेडशॉट पड़ा और ये अपने यानी कि स्वर्ग सुधार। तो अब चलते बगैर फालतू की बकवास करके, समझ रहे हो आप भाई, इस पहले तो इसको यानी कि ये बोन है ना स्केलेटन की, इसको कलेक्ट करना होगा, क्योंकि इससे ना बोन मील बनता है, जो कि हमारे बहुत काम आने वाला है वीट फार्म में, जो भी हमारा क्रॉप है वो ग्रो नहीं होता, तो उसके लिए। तो बिना बकवास करते हुए अब चलते हैं जल्दी से माइन करने के लिए। तो अपनी माइन कुछ उधर है, तो ये है हमारी माइन, तो इसको खोलते हैं भाई इसके पट। ओ भाई इसमें क्या, इसमें चिकन्स निकली हैं, 3 चिकन, इसमें क्या कर रही है भाई, स्पॉन हो गई क्या अंदर? डर्ट है शायद, इधर स्पॉन हो गई होंगी, पता नहीं यार चिकन क्या कर रही है इसके अंदर, पता नहीं, बट उतने एग भी डाले हुए हैं इधर। ठीक है, तो इधर कॉइल मिल गया है हमको, इधर हमारे काम की चीज़ मिल गई है बहुत सारी। तो इधर से सबको कलेक्ट करते हैं, यानी कि पता नहीं कितना कॉइल है, बट हमारा काम तो हो ही जाएगा। बहुत सारी एम्बुलेंस यानी ब्लेजर से ट्रेड करके हमको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, एंड कॉइल भी बहुत सारा मिल गया हमको यहाँ से माइन से, जितना भी कॉइल मिलेगा ना आपको दिखाता हूँ कलेक्ट करके। तो फाइनली यार गाइस, बहुत देर मेहनत करने के बाद हमको 64 से भी ज़्यादा कॉइल उधर से माइन कर चुके हैं हम। ठीक है, तो माइन से बहुत माइन कर लिए, इधर नाइट भी होने वाली है, तो अभी तो बहुत टाइम है। तो अभी चलते हैं यानी कि उस ब्लेजर से ट्रेड करने के लिए, जो कि हमसे कॉइल से यानी कि कॉइल से हमको एमरिल दे रहा था, यानी कि 15 कॉइल से एक एमरिल। तो ये क्या है, ये कौन सा है, ये तो लेदर से दे रहा है, लेदर का भी कलेक्ट करेंगे। तो इधर होगा वो, इस वाले घर में था तब, इसमें अभी नहीं, पता नहीं इसमें क्या यूज़ करता है वो। तो अभी चलते हैं उसको ढूंढने के लिए, किधर है भाई तू, पता नहीं इस वाले घर में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसका है लेदर वाले का। तो अभी नाइट हो चुकी है, चलते हैं सोने के लिए, वो भी अपने घर में सो गया होगा कहीं पर जाके, पता नहीं विलेजर्स के घर एक नहीं होते, बहुत होते हैं। तो ठीक है, अभी चलते हैं सोने के लिए, एंड ओपन डोर एंड क्लोज, और चलते अपने बेड पे। गुड नाइट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग है, सुबह हो चुकी है, अब चलते जल्दी से उसको ट्रेड करने के लिए, उस ब्लेजर को जो कि इधर ही था भाई। 2 ब्लेजर रह गए हमारे विलेज में, पता नहीं कैसे डिस्पॉन हो जाते हैं और स्पॉन भी हो जाते हैं अपने आप। तो ठीक है, यहाँ से जो फार्मर था ना वो गायब हो चुका है, तो अभी खाना खाते हैं, हमारा खाना है ना पूरा ख़त्म हो चुका है। अभी कुछ सिप को मारते हैं, इनसे कुछ जो भी हमको मिलेगा मटेरियल हमारे पास बहुत है अभी, उसमें फर्नेस में रखा हुआ है। तो अभी इधर से, हाँ यही वाला विलेजर है वो, इसने हेलमेट पहन रखा है। तो 15 कॉइल ये रहे,
और बस भाई 5 एमरेल हुई हैं अभी बस, यानी कि इतने सारे कॉलेज में बस 5 एमरेल और नहीं है का? है बट 8 है हमारे पास बस। तो एरन से भी मिल सकता है हमको एमरेल, तो एरन का तो बहुत कमी है होती है ना, तो एरन भी बहुत हमको माइन में मिल जाता है, जो कि हमको मिला था इस वाली माइन में भी एरन मिला था थोड़ा सा। तो अभी चलते हैं भाई, इतनी अभी इधर से देखते हैं ये कितनी लेदर से दे रहा है। तो 6 लेदर से हमको 1 एमरेल दे रहा है, तो यानी कि हमको अपने काओ को ब्रीड करा के बहुत सारी काओ बनानी होंगी और उनसे लेना होगा हमको लेदर। तो अभी तो हम चलते हैं अपने घर पे, यानी कि जो हमने एमरेल उससे ली है तो इसको रखने के लिए। तो ठीक है, तो इस एमरेल को होंगे हम इसमें इस वाली चेस्ट में रख देंगे। तो गाइज यार मैंने उसको यानी कि जो हमको एमरेल मिली थी उनको तो रख दिया है, एंड ये पेंटिंग मिली मेरे को इसको इधर लगा देता हूँ। और ये कुछ अच्छा सा लुक तो दे रही है हमारे एनिमल फार्म में। और एक और देखते हैं भाई, एक और बना के देखते हैं उधर लाएंगे। तो ठीक है, इसमें एक और बनाते हैं, बट हमारे पास अभी तो स्टिक्स नहीं है, तो इधर से लेना होगा मेरे को ये वाला वुड। तो ठीक है, इसको हमको बनाना होगा इसमें से स्टिक्स, यानी कि बहुत सारी स्टिक बन जाएंगी इसमें से। 9 ब्लॉक हैं, तो ठीक है रख जाए भाई, कैसे रखेगा। अब रखता हूँ तो 4 4 यानी और लेता हूँ 8 स्टिक बहुत रहेंगी, 12 बहुत है, 12 स्टिक मैंने ले लिए इधर से। तो अब चलते हैं जल्दी से उधर, पहले इधर बनाता हूँ मैं पेंटिंग। तो इधर इसको ऐसे रख के, और इसके बीच में रखता होगा एक बूल जो कि रख दिया है, एंड एक बन गई पेंटिंग। अब चलते हैं बाहर लाने के लिए अपने एनिमल फार्म में। तो ठीक है, इधर ला दिया है, और इधर की साइड मेरे को लाना है ऐसे करके इधर। हाँ अभी रुको यार, इधर मैंने ला दिया ऐसे, इधर इधर तो दादाजी की लगी है भाई, इसके पूर्वजों की लगी है इधर, एंड इधर भी लानी होगी। नहीं इधर तो यही लग रही है भाई, पता नहीं क्या है ये। हाँ अब ठीक है, तो दोनों सेम सेम पेंटिंग हो चुकी हैं, अब थोड़ा मतलब अच्छा लग रहा है ना। जी एग है मेरे पास, इनको भी इधर ही फोड़ना होगा। तो कुछ चिकेंस हैं ये बाहर जाएंगी, इसको मार देते हैं, इसको थोड़ी एक्सपी कलेक्ट हुई है हमारे पास, एंड थोड़ा खाने के लिए कुछ खाना भी। तो अभी मेरे को जाना होगा अपनी काओ के पास, उनको ब्रीड कराने के लिए बहुत सारी, उनसे लेदर लेने के लिए। तो भाई हम गाय के पास आ चुके हैं अपनी काओ के पास, इनको बहुत सारा खाना खिला दिया है। और इनसे पता है मैंने कहाँ से लिया इतना वीट, जो कि इधर इसके मैंने एरिया बड़ा किया था ना, ये इधर ही प्लांट किए थे, देखो हो रहा उधर मैंने दोबारा से प्लांट कर दिया है ये वीट। तो इन सबको खिला खिला के मेरे को बहुत सारी काउस करनी होंगी, एंड इन छोटुओं को भी खिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो। तो अभी सबने खा लिया है, सबका पेट फुल है, तो अभी खिलाते हैं इनको जो कि छोटे छोटे इनके बच्चे हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया, और अब बारी है इनके मरने की। निकालते हैं अपनी स्वैर्ड जो कि ये रही, इनको एक एक करके मारना होगा हमको, क्योंकि इधर से लेदर भी तो लेना है। कोई कोई गाय काओ नहीं दे रही है लेदर, कोई कोई बहुत सारा दे रही है। इधर से मेरे को बहुत सारा लेदर मिलने वाला है, और भी लेदर कलेक्ट करते हैं इधर से, फिर उस विलेजर के पास। फाइनली गैर से और हम विलेजर के पास आ चुके हैं, पता नहीं इसमें क्या करता रहता है, चुप चुप यानी कि चुपके चुपके लगा रहता है इसमें। एंड इधर से कुछ एमरल लेते हैं, हमारे पास 12 लेदर है, तो इस लेदर को रखते हैं इधर। एंड 1 2 3 भाई, दो मतलब 2 एमरेल आ चुके हैं हमारे पास। हमारे पास अब टोटल यानी कि 5 6 7 सेवन सेवन एमरेल हो चुकी हैं, जो कि 5 हमने पहले उससे ले ली थी कॉइल वाले कॉइल से, एंड 2 इधर, तो 7 एमरेल। तो अब देखते हैं, 7 ही होती हैं या ज़्यादा होती हैं इस चेस्ट में हमारी एमरेल, एंड 7 7 ही है, क्योंकि ज़्यादा नहीं है हमारे पास इतनी थी। तो गाइस फाइनली यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कर देना, एंड वीडियो पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने ये अपनी एनिमल फार्म का एंड एक्सपी फार्म का जो रास्ता बनाया है, इसकी वीडियो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ओके, मिलते हैं जैसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए गुड बाय।